कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे राजेश जून के बेटे सचिन जून भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सचिन जून ने बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 31 और 20 में घर घर जाकर के लोगों से वोट की अपील की। सचिन जून के साथ युवाओं की बड़ी टीम है और यही टीम हर जगह चुनाव प्रचार की कमान को संभाले हुए है। वहीं सचिन जून का ये कहना है कि बहादुरगढ़ विधानसभा में मुकाबला एकतरफा हो चुका है और टोटल वोट पोल में से आधे से ज्यादा वोट अकेले राजेश जून को मिलने वाले हैं। बहादुरगढ़ हल्के के शहर में जो शहरी क्षेत्र हमारे हल्के का, इसमें डोर टू डोर शुरू किया है, जिसकी शुरुआत हमने वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 20 से की है। और वार्ड नंबर 31 और 20 वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र ने हमारे को, मेरे पिताजी को 2014 में भी आशीर्वाद दिया था। आज हल्के में जो माहौल है मेरे पिताजी का और हमारे प्रति जो इस हल्के में माहौल बना हुआ है, उस माहौल को और तीव्र गति से हमारे चुनाव चिन्ह को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए हमने डोर टू डोर शुरू किया है। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है क्या? देखिए, सच्चाई बात तो ये है, आप पत्रकार हैं, आप भी इस बात को जानते होंगे, आज जो बहादुरगढ़ की स्थिति है वो ये है कि आधे में अगर मेरे पिता श्री राजेश जून की जितनी वोट, उतनी ही वोट सभी की मिला के जितनी वोट उतनी अकेले मेरे पिता श्री राजेश जून जी की वोट। सचिन, आप युवा हैं तो युवाओं का कितना साथ मिल रहा है? देखिए, युवा भाइयों, आप मेरे साथ देख भी सकते हैं, युवा भाई मेरे साथ, जबकि हमारी चार जगह टीम बटी हुई है और उसके अलावा सभी युवा साथियों की अलग अलग हमने टीम बना करके गाँव में 10-10 गाड़ियों की टीम बना करके गाँव में भी भेज रखी, फिर भी युवा साथी जो मेरे साथ यहाँ चल रहे हैं और जिस लगभग युवा साथी इसी क्षेत्र के, हम कोशिश कर रहे हैं जिस क्षेत्र में हम जाएं साथ में युवा साथी ना ला करके जिस क्षेत्र में जाएं उसी क्षेत्र के साथी हमारे साथ चलें और लोगों के से हम ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट रख पाएं। हाँ, ये आज तक का जो बहादुरगढ़ का इतिहास रहा है कि एक ही क्षेत्र में एक दो आदमी की पूछ होती थी, उसी को हमने सुधारने के लिए हर एक क्षेत्र के अलग अलग जो स्थानीय लोग हैं उनको, उनसे मिलने का हमने प्रयास किया है। और सच्चाई तो ये है कि आज मुकाबला हम किसी से नहीं मान रहे हैं, ठीक है, मुकाबला हमारा अपने आप से है। हमें ये देखना है कि हमारी आज हम कितनी लीड से जीत रहे हैं, ये देखने की बात है। 20,000 से जीतेंगे, 30,000 से, वो आने वाला समय बताएगा।